2023 पांच ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे सिखा के जा रहा है जिससे मेरा 2024 बेहतरीन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2023 है कौन कौन से फाइव लेसन्स मुझे देकर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लेसन ये है कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट हूं। याद रखिए, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं हूं तो सब कुछ है। लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, मैं तो सिर्फ दुनिया के लिए करना चाहती हूं या चाहता हूं। सिर्फ एक सवाल आपसे है, अगर आप ही नहीं हैं तो क्या करेंगे? अगर आप ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपनी केयर लेना स्टार्ट करें। अगर आप हेल्दी रहेंगे, लंबी आयु जी पाएंगे, तो फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ठीक है, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट आप है। तो सबसे पहले ये चीज मुझे पता चलेगी कि सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो मैं हूं तो सब कुछ है। क्योंकि आज देखिए न्यूज में बहुत सारे ऐसा आता है कि छोटे छोटे 13 साल है या 12 साल है या 1 साल के लड़के हैं, उनको हार्ट अटैक आ रही है और मर रहे हैं। कई सारे लोग बीमार ऐसे पड़ रहे हैं छोटी छोटी उम्र में। अब उनकी आयु कितनी होगी, वो कितने साल जिएंगे और जिएंगे भी तो किस तरह से? तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो अपने बॉडी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ये मुझे सिखा दे जा रहा है। तो उसके लिए जो भी मुझे अच्छी हैबिट होनी चाहिए खाने की, ठीक है, अच्छा खाना है वो मुझे खाना है, जो क्या समझ लिए नुकसान करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी को, उनको जितना हो सके उससे अवॉइड करना है, ठीक है। यानी कि हेल्दी हैबिट अपनानी है, क्योंकि हेल्दी हैबिट अपनाऊंगा तो मेरा बॉडी अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छा रहेगा तो मैं लंबी आयु जी पाऊंगा, और लंबी आयु जी पाएंगा तो जो भी मुझे करना है मैं कर पाऊंगा, मेरे अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए भी। तो ये सबसे पहला लेसन है। दूसरा लेसन ये है कि मैं अपने माइंड को अच्छी चीजों में एंगेज रखूंगा। देखिए आजकल आप देख सकते हैं कि बस मोबाइल में सीमित हो गई है उनकी दुनिया, या फिर गॉसिप में, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अनयूजुअल टाइम पास कर रहे हैं, पता नहीं है उनके कितने आवर्स निकल जाते हैं स्क्रॉलिंग करते करते, फालतू के वीडियो, फालतू के न्यूज़ देखकर, इसने ये किया, इसने ये कर दिया, वो किया, ये अच्छी नहीं है, ये बुरा है। अरे भाई क्या है, छोड़िए ना इन बातों को, फोकस ऑन योरसेल्फ। यानी कि मैं अपने माइंड को अब एंगेज ही रखूंगा। ऐसे तो मैं भी बहुत ये काम कर ही रहा था, लेकिन 2024 में और ज्यादा करूंगा। यानी कि मैं अच्छी अच्छी बातों में मेरे माइंड को एंगेज रखूंगा। मेरा सोशल मीडिया जो आवर है वो काफी सारा रिड्यूस हो गया है, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, अपने जो भी मुझे काम है, कोर्सेस बनाने हैं या वीडियो अपलोड करने हैं, ठीक है, या आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है, जो कुछ भी है, मैं अपने माइंड को मैक्सिमम उसमें ही एंगेज रखता हूँ, ताकि उसमें मेरा मन ही ना जाए, टाइम ही कम मिले मुझे। दिन भर का मेरा शेड्यूल बनाने तो कहीं इसमें मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस। यानी कि मेरे माइंड को अपने एंगेज रखना है, ये मुझे 2023 सिखा के गया, क्योंकि शुरुआत के दौर पर मैंने भी सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यकीन मानिए कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो अब से मेरा टाइम, मेरा माइंड है अच्छी चीजों में एंगेज रहेगा, मेरी ग्रोथ में, मेरे प्रोग्रेस है जो मेरा काम है उसमें मैं लगा के रहूंगा।
तीसरा है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। या अब ये क्या होगा, ये शायद आपके लिए नया वर्ड्स होगा। देखिए स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका अगर मैं सिंपल मीनिंग बताऊं ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ये अच्छा काम करता हूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं हीलिंग करता हूं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है, मैं इस काम में अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहा हूं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए किसी भी चीज का फायदा तब मिलेगा जब उससे रिलेटेड न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में और आपके पूरे बॉडी में बन जाएंगे, पूरी तरह से उसकी पकड़ जमा लेंगे। जिस तरह से आप सोचते हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, बार बार नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और आप इससे पीछा नहीं छुड़ा रहे, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके बॉडी में ये जो न्यूरॉन है, ब्रेन सेल्स है, उसने एक फंक्शनल, एक पार्ट बना दिया है कि इससे अब आप छूट नहीं सकते हैं। ठीक है, आप किसी एक पैटर्न में या तो गुस्सा होगे, या तो नेगेटिव थॉट में चले जाएंगे, ठीक है, या कोई गलत तरीके बिहेवियर आप करते रहेंगे, सेम सेम सेम, क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स का, ब्रेन का एक पार्ट बन चुका है, इसलिए आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप सोचेंगे यार मैं बार बार गुस्सा क्यों होता हूं, बार बार मुझे एंजाइटी क्यों आ रही है, मैं इससे बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं उसी में फंसते जा रहा हूं, क्योंकि ये नेगेटिवली स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके अंदर बन गई है। अच्छी स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बनाई जा सकती है आपके ब्रेन में, न्यूरो में, और जब वो डेवलप हो जाती है तब उसी तरह से आपका बॉडी माइंड आपकी लाइफ रन करने लगती है। और इसकी बेस्ट मेथड ये है कि आपका इंटेंशन, आपकी इंटेंसिटी, यानी जो भी आप चाहते हैं पूरी इंटेंसिटी के साथ रेगुलर रेगुलर अगर आप करते हैं तो ही ये स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो सकती है, वरना नहीं। आपने देखा होगा कि कई सारा मोटिवेशन, अगर आप वीडियो देखते हैं तो थोड़े समय के लिए मोटिवेशन मिलता है, फिर कुछ समय बाद उसी दिन या दूसरे दिन वो मोटिवेशन गायब हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं डेवलप हुई। इसलिए तो आप काम करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, जो इंस्पिरेशन चाहिए, वो नहीं डेवलप होता है। किसी भी इस तरह के मोटिवेशन वर्कशॉप में अगर आप चाहते हैं तो देखते हैं कि थोड़े समय के लिए आपके अंदर वो जोश से जुनून रहता है, फिर वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। अगर वो कंटिन्यूअस रखना है तो इंटेंशन, इंटेंसिटी, रेगुलर प्रैक्टिस, ये तीन चीजें जरूरी है, तभी आपके अंदर ब्रेन में वो पार्ट बन जाएगा स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, जिसको मैं अपने एनएलपी और हिप्नोसिस के वर्कशॉप में या सेशन में सिखाता हूं। ठीक है, तो ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज है वह कि जितना हो सके मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करूंगा, हर साल कम से कम एक या दो कोर्सेस मैं जरूर से सीखूंगा जिससे मुझे सीखना चाहिए। देखिए कई लोग क्या होता है कि अपनी लाइफ में स्टक रह जाते हैं, उनको लग रहा है कि बस यही लाइफ है, बस इतनी सी लाइफ में इतना ही नॉलेज है। या कई लोग अपने कोर्सेज, अगर आपने में कुछ कोर्सेज सीखे हैं तो आप क्या करेंगे, अरे यार इतने कोर्सेज बहुत हो गए, मैंने करीबन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 10-15 कोर्सेज तो मिनिमम हो ही गए होंगे। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि हर साल कम से कम एक कोर्स तो मैं जरूर से सीखूंगा जो पहले से है उससे थोड़ा हायर लेवल पर, लोअर लेवल पे नहीं जाना है। यानी 2023 में मैंने जो भी 100 कोर्सेज सीखे हैं उससे अब 2024 में मैं कुछ नया जरूर से सीखूंगा सीखूंगा, ताकि मेरा ब्रेन है वो एक्टिवेट रहे, नए न्यूरॉन्स बने, मुझे लाइफ में आगे कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, जो भी मेरे हीलिंग थेरापी उसको मैं और बेहतर तरीके से बना पाऊं। ठीक है, अपने आप के, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए मैं इसके बेहतर तरीके से हेल्प कर पाऊं। तो ये कोर्सेस सीखना मेरा 2024 में होगा ही होगा, कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा ही जो इससे अच्छा होगा, जो अभी तक है उससे अच्छा हो सकता है, उसके कंपैरिजन में हो सकता है या उससे हायर हो सकता है। ठीक है, तो ये था मैंने सीखा हुआ है और लास्ट में क्या लिखा है, हाँ सॉरी,
लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि 2023 मुझे सिखा के गया है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका मूल कारण क्या है, उसका उसका रूट कॉज क्या है, ये मैं ढूंढूंगा। जितनी भी हीलिंग थेरापी मैंने सीखी है उसकी मदद से, ठीक है, एनएलपी है, हिप्नोसिस है, या रेकी है, ठीक है, जो भी मुझे लग रहा है कि इसकी मदद से मैं इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, उसके लिए हमें कोशिश करनी होती है, ठीक है, एक सॉल्यूशन ढूंढे, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरा, दूसरा काम नहीं कर रहा है तो तीसरा, तीसरा काम नहीं कर रहा है तो चौथा। इस तरह से हम जब सॉल्यूशन ढूंढते जाते हैं तो कई बार 5वें या 10वें नंबर पर, कई बार 15वें नंबर पर हमें उसका राइट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर 2024 में जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, सिचुएशंस आए, एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं कहूंगा, चैलेंजेस ही कहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना माइंड का परसेप्शन बदल दिया है, प्रॉब्लम नहीं उसको मैं चैलेंजेस कहूंगा। तो लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे 2024 में, मैं उसमें जितना जल्दी हो सके उसकी रूट कॉज तक जाने की कोशिश करूंगा और उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है शायद सफलता ना भी मिले, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा चालू रहेगा, क्योंकि हमें प्रयास ही तो करते हैं ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो 2023 में मुझे सिखा के गई हैं। और एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, 2023 में मैंने एक गलती की कि मैंने कुछ पर्टिकुलर, मुझे कुछ पाना था उसके लिए मैंने समझ लीजिए, मैं उसको इस तरह से अटैच हो गया था ना कि अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो ना तो फिर मुझे एंजाइटी आ जाती थी कि यार ये क्यों हो रहा है, गुस्सा आ जाता था कई बार। तो अब 2024 में ये डिसाइड किया है कि मैंने जो भी डिसाइड किया है, जो मेरा गोल्स हैं, उससे मैं अटैच नहीं हूंगा, मैं सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, लिव रेस्ट ऑन गॉड। जी हाँ, मैं अपना जितना हो सके बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरा गोल्स है उसको पाने के लिए, पूरे इंटेंशन इंटेंसिटी के साथ रेगुलर, और फिर उसका जो रिजल्ट है मैं ईश्वर पर छोड़ दूंगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई 2023 में मेरे साथ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूं, ठीक है, कि जहां पे मुझे, मैं उससे इतना अटैच हो जाता था कि गुस्सा आ जाता था कई बार, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती थी या नहीं होता था या डाउट आ जाता था। तो ये सब मैंने अब धीरे धीरे, वो बोलते हैं ना सरेंडर करना है, तो धीरे धीरे वो चीज सरेंडर में करते जा रहा हूं। इट्स ओके, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, ईश्वर अब आप जाने क्या होना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो 2023 मुझे सिखा के जा रही है, और 2024 में जितना हो सके उसका मैक्सिमम मैं अप्लाई करने की कोशिश करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, ठीक है। तो अब आप बताएं कि 2023 में आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या लेसन आपको सिखा के जा रही है 2023, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं। और आपका अगर कोई भी गोल्स है, ठीक है, कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974969080, रेकी है या होलीफायर रेकी है या एंजल थेरापी है या एनएलपी है या हिप्नोसिस का सेशन है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो काउंसलिंग के लिए, या तो हीलिंग के लिए, या फिर कोर्सेज के लिए। ओके, ऊपर आई बटन पर और लास्ट में आपको बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, कुछ तो फ्री भी है, जैसे कि फ्री जिबू सिंबल, आप उसको जरूर से देखिए, कुछ मेडिटेशन, कुछ हीलिंग है वो भी फ्री में दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और उसको जरूर से देखिए। नए हैं तो 2024 में और भी कुछ, बहुत कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है, जहां पे हम माइंड की बातें करेंगे, लाइफ के जो रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक स्पिरिचुअलिटी के वीडियो आ रहे हैं तो अब रियल लाइफ के प्रॉब्लम भी आएंगे, ठीक है, माइंड से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, गट से रिलेटेड है, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं फ्यूचर में। तो उसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी जरूर से बताएं। चलिए, तो 2023 उसको मैं अलविदा कहता हूं, और मोस्ट वेलकम मैं अपने 2024 को, और आप सभी को भी
2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपका परिवार भी इसी तरह से रहें। आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढें, ठीक है, आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उसका सॉल्यूशन करके आप उसको ओवरकम करके बाहर निकले, ठीक है। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।